केडीए के चेयरमैन का कमर अली अखौन और को चेयरमैन का असगर अली और मेम्बरान और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, पब्लिक आए हैं, सबको जुले और खास तौर पर यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए हैं, उनको भी जुले और शुक्रिया। और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के भी यहाँ पे नुमाइंदे आए हैं, उनके लिए भी शुक्रिया हम एपेक्स बॉडी और केडीए की तरफ से। और सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आज हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, हम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे को लगता है जैसे आपके पहले हमारे जो स्पीकर्स हैं उन्होंने बहुत साफ शब्दों में आपको बताया कि हमारे लद्दाख में क्या प्रॉब्लम है। ऑल इज नॉट वेल इन लद्दाख, लद्दाख में सही नहीं चल रहा है सब कुछ। आप सबसे शुरू करें तो थोड़ा सा मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, बट एज अ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव मैं कुछ चंद अपने सोच विचार यहाँ रखना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लद्दाख के नहीं और साउडर जहाँ लोग भी हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि लद्दाख ने यूटी का डिमांड क्यों किया था। और ये डिमांड जो है आज की नहीं थी, 70 साल से हमने ये डिमांड किया था। क्यों किया था? क्योंकि हम इससे पहले हम जम्मू एंड कश्मीर के साथ थे और जम्मू एंड कश्मीर के साथ हमारे लद्दाखियों के साथ नाइंसाफी हो रहा था, इनजस्टिस हो रहा था। हमें जो शेयर मिल रहा था, हमारा जो लद्दाख के लिए रिलेटेड जो पॉलिसीज बनने चाहिए थे, जो प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए थे, जो फंड्स आने चाहिए थे, वो नहीं आ रहा था। इसलिए हम लोग यूटी के लिए डिमांड कर रहे थे और यूटी विद लेजिस्लेचर, ये सोच के कि भाई हम सीधे अपने राजधानी दिल्ली से सेंटर से हम कनेक्ट हो जाएंगे और हमारा लेजिस्लेचर होगा और इस करके हमारा अपने डेमोक्रेटिक एक फोरम होगा जिससे हमारे लोगों के नुमाइंदे होंगे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो हमारे कानून बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, फंड्स बनाएंगे। ये सोच के हमने यूटी डिमांड किया था और बड़ी खुशी की बात है। और मैं हम सब लद्दाखियों की तरफ से बहुत धन्यवाद कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का कि भाई हमें 5 अगस्त 2019 में लद्दाख को यूटी डिक्लेयर किया गया। उस दिन आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि लद्दाख में कितनी खुशी हुई थी, कितना लोगों में एक बहुत सारा मतलब जोश था, खुशी थी। 4 तारीख को हम जम्मू कश्मीर के स्टेट के अंडर थे और 5 तारीख को हम एक यूनियन टेरिटरी बन गए थे। हमारा ये था कि हम यूनियन टेरिटरी बना था, उस दिन सिर्फ हमें लेजिस्लेचर नहीं दिया गया था, फिर भी हम यही सोच के खुश थे कि भाई जो भी है हम सेंटर के साथ कनेक्ट हो गए हैं, आज हमारे कोई सुनेंगे। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 31 अक्टूबर का हमारा सिस्टम पूरा यूटी का बन चुका था, बन गया 3 महीने का बाद। बहुत खुशी हुई हम सबको, मगर हमारा उसके बाद 6 महीना बीत गया, साल बीत गया, उसके बाद हमें पता चलने लगा कि ये तो उल्टा ही हो गया है, क्योंकि हमारा लेजिस्लेचर नहीं था, हमारा कोई प्रोटेक्शन नहीं था, हमारे लैंड को लेके कोई प्रोटेक्शन नहीं था, हमारे बच्चों की एजुकेशन को लेके कोई प्रोटेक्शन नहीं था, उनके जॉब्स के लेके प्रोटेक्शन नहीं था, हमारे एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, हमारे कल्चर, ट्रेडिशन, कुछ को लेके प्रोटेक्शन नहीं था। इस करके हमारे बहुत प्रॉब्लम हमें समझ आया। और उससे जरूरी बात यह है कि भी हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, खासकर पाथुकन सेवांग जी के लीडरशिप में जो हमारे और वेटरन लीडर्स हैं, उनको तो बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गया भाई ये यूटी जो है ये और भी खतरनाक है, इसलिए हमें इसमें कुछ सेंटर से अपील करना पड़ेगा। हमने अपील किया कि हमें जो है लेजिस्लेचर दिया जाए और 6 शेड्यूल दिया जाए। वो क्यों जरूरी है? आप लोग सोचते होंगे कि क्योंकि मैंने देखा सोशल मीडिया में कुछ आउटसाइडर बोले, हमारे लद्दाखी बोले या नॉन लोकल लद्दाखी बोले, वो लोग ये कमेंट करते हैं कि भाई इनका तो पेट भर ही नहीं रहा है, पहले यूटी बोला, यूटी बोला, यूटी दिया तो अब ये लोग बोले हमें 6 शेड्यूल चाहिए और उसके बाद अब बोले हमें स्टेटहुड चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारा जो है, मैं भारत प्रधानमंत्री जी से ये बोली, हमारी बदकिस्मती है कि यूटी तो हमारा डिमांड था, मगर अभी जैसे मेरे बाकी दोस्तों ने बोला कि भाई हमारा जो है ट्राइबल जो है 97% हमारा ट्राइबल लद्दाख में है, रहते हैं ट्राइबल्स, उसके तहत फिर हमारे आर्टिकल 224 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारा 6 शेड्यूल में बिल्कुल फिट बैठता था।
हमें नहीं दिया गया, चलो कोई बात नहीं, बट हमें ड्यूटी दिया गया। अब हम ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई अगर भारत के संविधान के तहत अगर आप ट्राइबल एरियाज हो, चाहे भारत में कहीं भी हो, जिसमें से सबसे जो नाजुक है वो लद्दाख में जो है ट्राइबल्स है, उनको आप अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो सिक्स शेड्यूल जो है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें सिक्स देना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो लद्दाख को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आज की सूरत में डेमोक्रेसी जो है बिल्कुल तो अभी आप देख सकते हैं सोनम वांगचुक जी जो है इस प्रोटेस्ट में जुड़ चुके हैं, अभी अभी आए हैं और आप देख रहे हैं कि आते ही उन्होंने जो है बैनर अपने हाथ में लिया है जिसमें लिखा है वी डिमांड सिक्स शेड्यूल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, हमारे अभी तक 3 साल ज्यादा हो गया है, एक भी अभी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है बच्चों का। आप इन बच्चों का भविष्य क्या होगा आप लोग खुद समझ लीजिए। इसलिए हम मांग रहे हैं कि भाई हमें यूटी होना चाहिए, सिक्स शेड्यूल होना चाहिए, सो दैट हमारे लैंड, हमारी कॉलेज और हमारे बच्चों की भविष्य को और लद्दाख के भविष्य को हम प्रोटेक्ट कर सके। और सबसे पहली बात, आप जरूरी बात यह है कि लद्दाख में जो है लैंड जो है, जमीन जो है, वो बहुत ही चिंताहीन बन चुकी है, क्योंकि लद्दाख का जितना भी लैंड है ज्यादातर स्टेट लैंड है और स्टेट लैंड हमारे ऐलान 38 के तहत नोतोड़ कानून के तहत वो जो है वो लोगों के इंतकाल में आ गया है, वो मुस्तकल टेनेंट्स बन चुके हैं। मगर अभी जो यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना मनमानी एडमिनिस्ट्रेटर्स है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अपना मनमानी करके लैंड रेवेन्यू एक्ट, लैंड एग्रीडियन एक्ट, लैंड एलिनेशन एक्ट सबको वो ओवर पास करके, उन सबको अवॉइड करके, वायलेट करके वो अपने रूल्स और अपने ऑर्डर्स निकाल रहे हैं, जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं बता सकती हूँ, मिसाल देना चाहती हूँ जमीन में। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी प्लीज आप सुनिए क्या हो रहा है हमारे साथ। मैं जमीन के बारे में थोड़ा बताऊंगी क्योंकि मैं एक वकील हूँ तो वकालत करती हूँ, तो मैंने ये अदालत में देखा है क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है वहाँ पे। जो नोतोड़ जमीन है हमारे लोगों के जो है 60-70% जो है लोगों के पास नोतोड़ जमीन है। नोतोड़ मतलब हमारा जो है स्टेट लैंड को हम कल्टीवेट करते हैं, यूज करते हैं, जो कानून हमें ऐलान 38 महाराजा के टाइम से लद्दाख और गिलगित को मिला है, उसमें ये लोग छेड़खानी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि पहले तो उसमें साफ लिखा है लैंड रेवेन्यू एक्ट में उसका इंतकाल जो है तहसीलदार कर सकता है। आप क्या कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स है वो लोग तहसीलदार से वो राइट छीन के, वो पावर छीन के वो डीसी को दे रहे हैं और डीसी को ये बोल रहे हैं कि भाई डीसी जो है हर जगह जाके इसको नोतोड़ को देख के वेरीफाई करके उसको इंतकाल करेंगे। आप सोचिए लद्दाख एक वास्ट लैंड है, वास्ट यूटी है, वहां पे दूर दूर गांव है, तो आप बताइए एक डीसी कहाँ कहाँ जाके कहाँ का जिससे करके इंतकाल करेंगे, जिससे क्या हो रहा है आज से 3 साल से लोगों ने सरकारी नोतोड़ के तहत ऐलान 38 के तहत जो जमीन अपने उसमें रखे हैं, कल्टीवेशन में रखे हैं, वो कोई भी इंतकाल नहीं हो रहा है। और सुनने में ये आया है कि भाई वो लोग इसको इंतकाल को जो है सेट असाइड करने वाले हैं, तो हमने जा रहे हैं, तो इस करके हमारा जो है जमीन जो है बहुत मुश्किल में है। और ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे स्पीकर्स यहाँ पे हैं। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिससे अभी पता चलेगा कि भाई हमारे लद्दाख में क्या तानाशाही चल रही है, क्या ब्यूरोक्रेसी चल रही है, वहाँ डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो ज्यादा ना चाहते हुए अंत में मैं सबको फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूंगी जो यहाँ पे प्रस्तुत आए हैं वो है, और प्रधानमंत्री हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से विनती करना चाहूंगी कि भाई हमारे जो 3-4 डिमांड्स हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं उनमें सबसे पहले हमारा सिक्स शेड्यूल है, उसी तरह 3 और हमारी डिमांड्स है, उन पे आप जल्दी से जल्दी चर्चा करके हमें जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए। हम कोई गलत नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं जो भारत के संविधान के तहत है। ज्यादा नहीं कहूंगी, जुले थमाला, जय हिंद जय भारत। थैंक यू मैम।
अब मैं कुछ नारे दूंगा, आप जवाब दीजिए। लद्दाख में डेमोक्रेसी बहाल करो, लद्दाख में डेमोक्रेसी बहाल करो, लद्दाख को सिक्स रूल देना होगा, लद्दाख को सिक्स रूल देना होगा, लद्दाख को स्टेटहुड देना होगा, लद्दाख को स्टेटहुड देना होगा। इसके बाद मैं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर सज्जाद करगिली से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पे आके अपने ख्यालात का इजहार करें। तब तक मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, रास्ते के उस छोर वाले लोग यहाँ सामने की तरफ आ जाइए, प्लीज थोड़ा सामने की तरफ आ जाए ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से सुन पाए। धन्यवाद। मंच पे हमारे यहाँ कारगिल और लेह से आए हुए जितने भी पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखने वाले, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लह एपेक्स बॉडी के बुजुर्गान हैं, और यहाँ जितने भी हमारे लोग आज के इस तारीखी एहतजाज में शामिल हुए हैं, उन सबको जुले अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही बदकिस्मती के साथ यह कहना पड़ रहा है कि लद्दाख जैसे एक पीसफुल, एक पुरामन जगह से लोग दिल्ली आने पे मजबूर हुए ताकि अपनी बात, अपने मुतालिबात यहां से सुनाए, सरकार सुने। मेरे एक दोस्त अक्सर ये शेर दोहराते हैं कि एक ही हादसा तो है और वो ये कि बात कही ना गई और बात सुनी ना गई। और अब इस हादसे को, अब इस उलझन को खत्म करने के लिए हम अपनी बात कहने और आपको अपनी बात सुनाने आए हैं। हम ये चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब फ्लोर ऑफ द हाउस से कहा गया कि अब लद्दाख के लोगों का विकास होगा, लद्दाख में डेवलपमेंट होगा, लद्दाख में लोगों को आइडेंटिटी मिलेगी, लोगों को अपनी शिनाख्त मिलेगी, लेकिन पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं लद्दाख के लोगों को मुसलसल ठगा जा रहा है, लद्दाख के साथ मुसलसल बिठेल है और लद्दाख के लोगों के साथ नाइंसाफी का खत्म न होने वाला एक सिलसिला जारी है। पिछले 3 साल के अंदर लद्दाख में इतनी तब्दीली हुई कि एक हमारे एलजी साहब को जो 60 बरस के हैं उन्हें तब्दील करके एक 80 बरस के एलजी साहब को वहां पे इस बार भेजा जा रहा है। हमने देखा इन 3 सालों में सरकार ने बातचीत के नाम पे डिलेइंग टैक्टिक्स के जरिए लद्दाख के लोगों को नफसियाती तौर पर ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की और हमारे लोगों के साथ, हमारे लीडर्स के साथ, हमारे लोगों की सादगी का फायदा उठाते हुए, शराफत का फायदा उठाते हुए हमारे लोगों को हमेशा मुख्तलिफ बहानों से तरखाया गया। आपको मालूम होगा लद्दाख में सरकार यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझकर लोगों को लड़ाने में कोई कसर नहीं रखती। कभी आपको एसएससी का एक ऑर्डर निकलता है फिर उस ऑर्डर को विड्रॉ किया जाता है, कभी आपको एक सर्विसमैन को लैंड अलॉट किया जाता है काउंसिल की तरफ से, जिस काउंसिल के लिए कहते हैं कि इस काउंसिल के पास सारे पावर आते, उस काउंसिल के जरिए कहा जाता है कि हम ये लैंड अलॉट कर रहे हैं, वहां से प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को,
कि इसको रजिस्टर नहीं करना आपने रिकॉर्ड में। और आज हम लोग देख रहे हैं कि लद्दाख में डेमोक्रेसी नामी कोई चीज नहीं है। लद्दाख में पिछले 3 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। लद्दाख के लोग लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन की डिमांड कर रहे हैं, उसे भी सरकार फुलफिल नहीं कर पा रही है। और तो और अब कोशिश की जा रही है वहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए और कुछ कॉरपोरेट जो दोस्त है सरकार के उन लोगों को लद्दाख दे दिया जाए ऐसे ही, ताकि वो लद्दाख में जाके अपने मौज कर सके, मजे कर सके। हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लद्दाख के लोगों की बहाली, आइडेंटिटी का तहफ्फुज़, लद्दाख के लोगों का लैंड का सेफ गार्ड, लद्दाख में डेमोक्रेसी को सही मानों में बहाल करने के लिए हम चाहते हैं कि सरकार लद्दाख के लोगों को यह अपॉर्चुनिटी दे कि वो अपनी तकदीर का फैसला करे और लेजिस्लेचर कम से कम उनको अपना लेजिस्लेचर बनाने का, लेजिस्लेचर का हक उनको मिले, उनको नौकरियों का हक मिले, उनको कम से कम जो हमारे लैंड सेफ गार्ड से आज आप देखते हैं लद्दाख के अंदर जो ग्लेशियर से, चाहे आपका परकचक ग्लेशियर है, चाहे आपका शुनशने ग्लेशियर है, चाहे आपका मचुई ग्लेशियर है, ये जितने भी ग्लेशियर है वो बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं। हमारी जमीन सुखटती जा रही है, ड्राउट लाइक सिचुएशन है, लद्दाख बोहरान का शिकार है और सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। क्यों नहीं सुन रही है? क्योंकि हम कोई वोट बैंक नहीं है सरकार के लिए, इसलिए सरकार नहीं सुन रही है। इसीलिए हमने ये प्रोटेस्ट पहले लद्दाख में किया, फिर हमारी जो पुरानी राजधानी सर्दियों की हुआ करती थी जम्मू, वहां हमने सुना प्रोटेस्ट किया, फिर हमने सुना सरकार को सुनाई नहीं दिया होगा तो हम दिल्ली आए प्रोटेस्ट करने, और आज हम दिल्ली में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट यहाँ नहीं रुकेगा, हमारा प्रोटेस्ट और तेज होगा। सरकार को हमारी बातें सुननी पड़ेगी। हमारा ये जो प्रोटेस्ट है वो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है और इस प्रोटेस्ट का हमें पूरा कानूनी हक है। और आखिरी बात जो मैं ये कहना चाहूंगा वो ये, पूरे देश के लोगों से, सरकार से भी, जब जब देश को जरूरत पड़ी लद्दाख के लोगों ने तन मन धन से देश की सेवा की, खिदमत की, कुर्बानियां भी दी। आज देश के लोगों से और देश की सरकार से लद्दाख के लोग कुछ डिमांड करने आए हैं। अपने हाथ पीछे मत कीजिए, अपना जो सीना है चौड़ा करके दिल और दिमाग में जगह बनाइए और लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशन को समझते हुए उसे एड्रेस कीजिए, ताकि हमें मजीद ह्यूमिलिएशन, मजीद बिट्रेयल का सामना न करना पड़े। शुक्रिया। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट स्पीकर को बुलाऊं, मैं सब लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा आप एक बुलंद आवाज में 2-3 नारे लगाएं, लद्दाख में डेमोक्रेसी बहाल करो, लद्दाख में डेमोक्रेसी बहाल करो, लद्दाख को 6th शेड्यूल देना पड़ेगा, लद्दाख को 6th शेड्यूल देना पड़ेगा, के बाद मैं अंजुमान मोइनुल इस्लाम के प्रेसिडेंट का डॉक्टर कयूम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पे आके अपना पक्ष रखे। धन्यवाद। केडीए और अपेक्स के चेयरमैन एंड को चेयरमैन, एक्स मिनिस्टर्स और मेरे साथी जो भी अपेक्स और केडीए के मंच पे आए हुए हैं, सबको चुले अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे हमारे लद्दाखी भाई बहन, स्टूडेंट्स और यहाँ पे मीडिया, बहुत सारे लोग जमा है, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लर्नड स्पीकर से, वेटरन लीडर्स लद्दाख के हैं, एक्स मिनिस्टर से, वो आपको तफसील से बताएंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो डिमांड है, जो भी प्रोसेस यहाँ पे, जो भी प्रोसेशन या कुछ जो भी आप कहें जो हो रहा है, ये एज ए इंडियन, एज ए हिंदुस्तान,
एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एज ए लद्दाखी हम लोग डिमांड कर रहे हैं। और लद्दाख आप सबको मालूम है कि एक होस्टाइल जगह है, इको फ्रेजाइल जगह है, जैसे अभी प्रणव मंगचुक साहब ने आप लोगों को तफसील से पिछले दिनों आपको वीडियो के थ्रू समझाया। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो भी इंटेलेक्चुअल्स हमारे पास अवेलेबल है उन सब से डिस्कस करके हमें ये मालूम होता है कि अगर लद्दाख को बचाना है, उसके इकोसिस्टम को बचाना है, उसके लोगों को बचाना है, उसके जो बॉर्डर्स हैं लद्दाख में, दो बॉर्डर्स हैं चाइना और पाकिस्तान, उन सब को बचाना है, वहाँ पे लोगों को रखना है, तो जो यूटी है जिसका हमने 70 साल से डिमांड किया था उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जब ये 5 अगस्त 19 डिक्लेयर हुआ था, हमने अपने कोम्पे में इसका जश्न मनाया था, मस्जिदों में हमने जश्न मनाया था, मस्जिदों में हमने अपने हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया था। ये एक नेशनलिज्म का सिंबल है, कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं होगा। हम बहुत खुश थे।